ट्रेवल्स एंड अचीवर्स के प्रायोजक है रिलायंस इंडिया मोबाइल, निर्मा ब्यूटी सोप और एपीएल वादा ना टूटे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ स्ट्राइवर्स एंड अचीवर्स। हमेशा की तरह मैं कुनिका आज भी आपको एक ऐसी हस्ती से मिलाने वाली हूँ जिसने अपनी ज़िंदगी की कठिन परिस्थितियों को नज़रअंदाज करके अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाया। यू मे बी डिसअपॉइंटेड इफ़ यू फेल, बट यू आर डूम्ड इफ़ यू डोंट ट्राई। कुछ ऐसा ही मकसद है हमारे आज के इस अचीवर का। लेट्स टेक अ लुक। So friends, let's welcome Ninu Kewlani. Hi Ninu. Welcome to Strivers and Achievers. Thank you for coming, Ninu. Okay, now let's talk. Ninu, you've been afflicted with polio from birth. पोलियो तो अक्सर एक वैक्सीनेशन से प्रिवेंट किया जा सकता है। आपकी नजर में क्या हुआ था जो आपको लगा कि दिस वाज व्हाट वेंट रॉन्ग? वेल, आई वाज गिवन वैक्सीनेशन और उसके बावजूद मुझे पोलियो हो गया बिकॉज द डोज वाज नॉट राइट। द सेल्स फाइटिंग द इम्यूनिटी इन दे कुडंट, आई मीन जो नहीं था वो और योर इम्यूनिटी सिस्टम प्रोबब्ली वाज नॉट एज फिट टू फाइट द। तो आपने उन सब चीजों को नजरअंदाज करके इतने आगे आपने जिंदगी में बहुत कुछ कर लिया है। म्यूजिक आपको बहुत अच्छा लगता है। डू यू फील कभी मायूसी होती तो आपको लगता है म्यूजिक आपको उस मूड से एलिवेट करता है? यस इट डज। दैट्स फैंटास्टिक। डिड यू लर्न म्यूजिक? यस आई एम लर्निंग। आपके घर वाले आपको बहुत सपोर्ट करते हैं? वेरी मच, वरना यू वुड नॉट हैव बीन एबल टू रीच। या आई वुडंट बी हियर। इस पोलियो के वजह से क्या क्या तकलीफें हुई होंगी आपको या हुई हैं? तकलीफें तो यही हैं कि जो आम जिंदगी में डे टू डे जो काम दूसरे करते हैं, यू आर नॉट एबल टू डू, यू आर डिपेंडेंट। मगर यू आर रीजनेबली वेल एजुकेटेड। यस, आई हैव डन माय कॉमर्स। यू हैव मूव्ड अराउंड, यू वेंट टू कॉलेज। थैंक्स टू माय फैमिली, विद दे टुक द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। वी वर स्टेइंग इन अ बिल्डिंग व्हिच डिड नॉट हैव अ लिफ्ट, सो फॉर 10 इयर्स आई हैड टू बी कैरीड अप एंड डाउन। हु यूज्ड टू कैरी? कौन आपको उठाता? माय डैड, माय अंकल्स एंड वी हैड हायर्ड अ वॉचमैन। आपको मालूम था कि किसी को आपको उठा के ले जाना पड़ेगा? या तो आपने अपने आप को किस तरह समझाया? यू हैव टू फोकस ऑन योर गोल। आई हैड टू कंप्लीट माय स्कूल, सो आई कुडंट ग्रंबल बिकॉज मैं जानती थी और कोई तरीका तो था नहीं। ओके, लेट्स वेलकम द पीपल हु हैव बीन रिस्पांसिबल टू सपोर्ट यू इन दिस लाइफ ऑफ योर्स एंड यू नो टू अचीव। लेट्स वेलकम योर पेरेंट्स, मिस्टर एंड मिसेस केवलानी। Welcome to Strivers and Achievers. Hi. Hi.
आप बहुत गर्व महसूस करते होंगे नीनू के माँ बाप होने की वजह से, बिकॉज नीनू ने इतना कुछ कर दिया है. मगर आप हमें बताइए कि जब आपको पता चला कि नीनू को पोलियो है, तब उस वक्त नीनू शायद 9 महीने की थी. 9 महीने की थी. तो आपने इसके साथ इमोशनली किस तरह डील की? इमोशनली तो काफ़ी शॉक हुआ था पहले पहले, और कई डॉक्टर वगैरह से बातचीत हुई और उन्होंने कुछ हमें कंसोल भी किया कि ऐसे होता है, यू हैव टू टेक इट एज जैसा है उनकी लाइफ. अभी इसका इफेक्ट आपको 2 बरस में समझ में आएगा कि इनको कितना असर हुआ है, कि उस टाइम तो पता नहीं चल रहा था. तो आई यूज़ टू टेक हर टू द हॉस्पिटल्स. आई थिंक टिल 10 ईयर्स तक तो काफ़ी हॉस्पिटल्स इधर उधर जाना, इनके लिए करना काफ़ी, फिजियोथेरेपी वगैरह भी सब किया, फिजियोथेरेपी किया, और जहाँ जहाँ जो लोगों ने कहा कि यहाँ जाने से इसको कुछ फ़ायदा होगा, तो वो मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, सब घूमे. यहाँ तक कि मुझे हैदराबाद भी जाना पड़ा टू सी अ पर्सन हु कैन क्योर हर. अल्टीमेटली तो पता चला कि इसका कोई क्योर तो है नहीं. तो आई हैव एक्सेप्टेड जो है उसको, और वॉट एवर बेस्ट आई कैन गिव हर. यू हैव गिवन हर. थैंक यू. Yes, you have given a lot of courage, a lot of confidence, and a lot of sense of security. Yeah, and I put her in a normal school. The biggest thing, and the right decision that they did. Because wo to psychologically also she should feel. Yeah, should feel like there's nothing wrong with her, and she's got. She doesn't have 2 legs; she has 4 legs. It's literally like that, you know. Yeah. It's right from childhood. Mana kafi active rahi hai, aur kafi courageous hai. आप मुझे बताइए मिसेस केवलानी, आपने किस तरह इसके साथ डील किया? जैसे कि मेरे हस्बैंड ने बोला, शॉक हो गए, मैं नर्वस हो गई थी और सोचती थी इसका क्या होगा फ्यूचर में. लेकिन नीनू जैसे जैसे बड़ी होती गई, इसकी विल पावर भी ऐसे ही बढ़ती गई, तो इसके विल पावर से मेरे को भी कुछ विल पावर्स हुई कि आपने इनसे ताकत हासिल की. मतलब मैं तो जब 12 साल की थी, तब से मेरी मम्मी मेरी शादी के बारे में सोचने लगी थी. नीनू बड़ी हो गई है और लड़की है, तो जाहिर है कि आपको उसके बारे में फिक्र होगी. आपने सोचा है कभी नीनू की शादी करने की? ये मैंने तकदीर के ऊपर छोड़ दिया है जी. ऐसी हालत में मैंने इतना ज़्यादा सोचा नहीं इसका. लेकिन जैसे बोलते हैं ना, जो शादियां है आसमान से फिक्स होके आती है, ऐसा है. और आपने क्या सोचा इसके बारे में देवरानी साहब? मेरे हिसाब से वॉट शी इज़ ट्राइंग टू अचीव समथिंग, अगर वो मिल जाए तो बेहतर होगा. शादी से भी अच्छी चीज़ वो है. दोस्तों, हमारे माँ बाप हमारे लिए क्या क्या नहीं करते. नीनू के माँ बाप ने भी नीनू के इलाज के लिए दर दर की खाक छानी. कभी कभी इंसान हालात के सामने हार जाता है, मगर नीनू और नीनू के परिवार वालों ने हालात के सामने घुटने नहीं टेके. चलिए हम पूछते नीनू से कि वो अपनी शादी के बारे में क्या सोचती हैं, मगर उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक. जो आंखें राह तक रुकी रुकी सांसें, कह दो उसे आऊंगा मैं, आऊंगा वादा निभाऊंगा मैं. बाबूजी ये आपके लिए, एक सपना लेके तेरे लिए, और मां ये तुम्हारे लिए. भाभी के लिए कुछ नहीं लाए? भाभी के लिए ये है ना. बाबूजी सोच रहा था इस बार शहर अकेला नहीं जाऊंगा. वादा है ले जाऊंगा मैं. भरोसेमंद अल्फा, वादा ना टूटे. सिर्फ 2 बॉल बाकी और जीतने के लिए 6 रन चाहिए. सहवाग के लिए मैसेज गेम के बाद. नो कर लो दुनिया मुट्ठी में. एक सोच थी एक सपना था. रिलायंस इंडिया मोबाइल धीरू भाई अंबानी पायनियर ऑफर, जिसमें एसटीडी सिर्फ 40 पैसे प्रति मिनट और भी बहुत कुछ. दोस्तों, स्ट्राइवर्स एंड अचीवर्स में एक बार फिर से कुनिका आपका स्वागत करती है. नीनू के पापा नीनू की शादी से ज्यादा उसके करियर को अहमियत देते हैं. चलिए नीनू से पूछते हैं कि वो अपनी शादी के बारे में क्या सोचती है. आई वुड प्रिफर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन करियर. आई थिंक यू आर हैप्पी द वे यू आर.
You still have your freedom, everything. आपकी एक बहुत बड़ा passion भी है music and voice. Yes. आपका voice बहुत अच्छा है. आपने मुझे बताया था कि आप voicing and dubbing करना चाहती हैं. What have you done to prepare for it? I did a crash course, voice modulation workshop किया था मैंने. And उसके अलावा I've done a lot of telemarketing for about 4-5 years. On the phone जैसे? Yes. Okay. And because with every client you have to modulate, you have to patao. So with different person you are. Is sweet, I mean that's word. What the marketing yes, is about. Yes. So it's called hard selling. Hard selling. Okay, friends, मुझे आपको एक और बात बतानी है. जो strivers and achievers के episodes हैं, उनमें जो screen पर आप voice सुन रहे हैं, वो नीनू जी की आवाज़ है. And she did a fantastic job. We were very happy. Thank you. अब हम आपके और भी कुछ दिल के करीब जो लोग हैं, उन्हें बुलाएंगे. आपके भाई भाभी और आपके जो कजिन हैं, लेट्स कॉल विनय, नीतू एंड रवि. वेलकम. हाय रवि. हेलो विनय. हाय. प्लीज नीतू. नीनू आपसे बड़ी हैं, आपकी ननंद है, और ननंद और भाभी का रिश्ता ज़रा डेलिकेट सा होता है. आप मुझे बताइए, जब आप उनसे मिले तो आपको कैसा लगा, और उनसे मिलने से पहले आपको क्या एंटिसिपेशन या किस बात का डर था? एक्चुअली द फर्स्ट टाइम मैं जब इन लोग इनकी फैमिली से मिली थी, तभी मैंने इनको जैसे ये बात कर रही थी एंड द वे शी वॉज लाइक टॉकिंग टू मी एंड ऑल, आई तभी मैंने रियलाइज़ कर लिया कि डरने की तो कोई बात ही नहीं है. इवन दो शी इज़ एल्डर टू मी, काफ़ी बड़ी है मुझसे, लेकिन फिर भी शी हैज़ ऑलवेज बीन लाइक अ फ्रेंड टू मी. और जैसे उनकी मम्मी ने भी बोला कि उनके कॉन्फिडेंस से उनको कॉन्फिडेंस आता है, तो वेन एवर वी आर डाउन, वी आर लो विद कॉन्फिडेंस, वी गो टू हर. वाओ, शी गिव्स अस द कॉन्फिडेंस, शी गिव्स अस द स्ट्रेंथ. माय गॉड, वो हम लोगों को एनकरेज करती रहती है. दैट्स अमेजिंग. आप जब पैदा हुए तो नीनू वॉज ऑलरेडी बॉर्न, तब आपको ऑब्वियसली लगा होगा कि आप यू नो यू वॉन्ट टू प्ले, क्योंकि सिबलिंग्स हमेशा चाहते हैं कि आपस में खेलें. और तो मुझे बताइए, जब आपने देखा कि नीनू आपके साथ भाग दौड़ नहीं कर सकती, तो हाउ डिड यू हैंडल दिस? नहीं, जैसे इंडोर गेम्स ये अवेलेबल है, तो हम लोग काफ़ी इंडोर गेम्स भी खेला करते थे, आपस में लड़ते थे, झगड़ते थे, एक दूसरे का बाल भी खींचते थे. तो बचपन का फन तो मैंने मिस नहीं किया. सिंस चाइल्डहुड आई हैव एक्सेप्टेड इट एंड आई एम टिल टुडे आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर. हाँ, वैसे भी नीनू की स्पिरिट को देखकर मुझे लगता नहीं कि शी इज मिसिंग आउट ऑन एनीथिंग इन लाइफ. विनय, यू आर कजिन ब्रदर और आप उनके दोस्त भी हैं. आप मुझे बताइए, आप लोग जब बाहर जाते हैं तो किस तरह मस्ती करते हैं? अब जिस तरह सब लोग करते हैं, हम वैसे ही हम मस्ती करते हैं. मतलब आप लोग डिस्को विस्को जाते हैं? Yes. Oh wow. I was very curious. Yeah, she wanted to see what happens outside. And we share such a relationship that I mean, we accepted her the way she was. It wasn't that she's different. She's just us. That's nice. So Ninu, आप डिस्को जाती हैं, आप गाना गाती हैं, आप एक्टिविस्ट हैं, आप घर में काम भी करती हैं, मैंने सुना है. थोड़ा बहुत. जरा देखें तो क्या काम करती हैं? नीनू केवलानी एक एक्टिविस्ट हैं. इनका ज्यादातर समय डिसेबल लोगों के राइट्स के लिए लड़ने में चला जाता है, और इनके आर्टिकल्स भी इसी विषय पर आधारित होते हैं. सब्जी काटना हो या रंगोली बनाना, वे घर के सभी कामकाज में हाथ बटाती हैं. आप एक्टिविस्ट हैं स्पेस्टिक सोसाइटी ऑफ इंडिया के लिए. यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क. आप अपने काम के बारे में मुझे कुछ बताइए. जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में हैंडीकैप के लिए कितनी सुविधाएं हैं, रैम्प्स बनाए हुए हैं, डिसेबल फ्रेंडली टॉयलेट्स हैं, और हर जगह फैसिलिटी है कि आदमी या हैंडीकैप जो भी है, व्हील चेयर पर या क्रचेस पे अकेले पूरा अपना काम इंडिपेंडेंटली कर लेता है. बिल्कुल. अपनी जो NGOs हैं यहाँ पे और सारी जो संस्थाएँ हैं, we have been working on medical model, social model in some way, कि बीमारी को किस तरह से precaution, मतलब जो polio campaign हो वो सारा कर देते हैं. but I felt कि what after that, so there's no access and that's what I had faced all my life. does access stand for something or is just access? access. okay. इस access के तहत आप क्या करती हैं?
I'm trying to bring awareness in the society, especially to the architects, builders, and the people who are involved with new upcoming projects. Okay. कि आप जब designing stage पे कुछ plan कर रहे हो, तो आप kindly जो एक नई नई आजकल sophistication add होती है, तो उसमें एक ramp भी involve कर दीजिए. एक ramp बना दो, एक जैसे आप 100 bathroom बना रहे हैं up and down. तो handicap के लिए bathroom बना दो. I've been traveling all over the world और हर जगह handicap parking separate होता है. Exactly. My husband lives in America, so when we go there and we are shopping, there's no parking. तो मैं बोलती कर दो ना यार 5-10 मिनट के. He says you're crazy. He says I have to pay a $500 fine for that. You know, वो लोग वहाँ पे इतना ख्याल रखते हैं. तो I think it's very important that we should. Yeah. Yes. And even the handicap toilets are big. And you know वहाँ wheelchair अंदर जा सकती है. हमारे कुछ lifts भी ऐसे होते हैं हमारे buildings में जो इतनी संकीर्ण narrow होती हैं. आपकी wheelchair उसमें नहीं जा सकती. आप यही काम करना चाहती हैं कि you want to make them aware of it. Okay. It's like we get very diverse reactions. Like when I tried going to theaters because I'm very fond of movies. I simply refuse to watch them on DVD. Yeah, it's a waste. Why should I? And the same people are fighting for piracy. So if you are not going to legally let me allow buy a cassette and see at home. Then at least make your damn theaters accessible for us to come. So literally the theater owners, I will not name them. But literally the theater owners have told me, आपको यहाँ क्यों आना है? घर पे बैठो ना, या मुसीबत करके. मतलब आपकी आपको पोलियो है, तो you have no right to live. No right to come to the theater. So tell me, ऐसा जैसे लोगों ने आपको इस तरह का, ऐसा कोई तो होगा जिसने आपकी बात मान के ramp include करने का promise किया है? Theaters में तो हाँ, IMAX. कमाल की बात है ना, नीनू खुद पोलियो से पीड़ित है, मगर वो हैंडीकैप्ड और डिसेबल्ड लोगों के राइट्स के लिए लड़ रही हैं. शी इज एन एक्टिविस्ट एंड यू नो समथिंग एल्स, शी वेंट अब्रॉड फॉर हॉलीडे. Before we join her abroad, let's take a short break. Tum husn pari tum jaane jaana, tum sabse haseen tum sabse jawaan.